ये अब इसका अकाउंटिंग का चैप्टर 7 है, ब्रांच अकाउंट्स। इसमें बेसिकली उसने ब्रांच अकाउंट्स क्या होते हैं और उसमें उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह क्या होता है वो सब डिस्कस किया। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह और बेसिक टाइप्स वगैरह हैं ब्रांच अकाउंटिंग की। ब्रांच अकाउंट में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, उसकी एक जगह से एक से ज़्यादा ब्रांच है। अब जो पिछला चैप्टर था हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट, उसमें यही था कि कोई बड़ा स्टोर है या कंपनी है, जैसे एक ब्रिज स्टोर है या मेट्रो है, तो एक जैसे स्टोर है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एक डिपार्टमेंट में वो ग्रोसरी की चीज़ें होंगी, दूसरे में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगी, तो इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। और आगे जब हम लार्जर स्केल पर चले जाएंगे तो किसी कंपनीज़ की सिर्फ ये नहीं होगा कि एक डिपार्टमेंट्स हों, उसकी ब्रांचेज होती हैं। मतलब एक ब्रांच यहाँ है तो दूसरी किसी और जगह होगी, एक अगर जैन मंदिर के पास है तो दूसरी जोहटान में होगी, तीसरी शाहदरा में होगी, तो चौथी डिफेंस में होगी। ऐसे डिफरेंट लोकेशन पे उसकी ब्रांचेज होगी, जैसे सर्विस है या बाटा शूज़ हैं, ऐसे और डिफरेंट कंपनीज हैं उनकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो उन ब्रांचेज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो सारा इसमें डिस्कस किया गया। अब उसके बाद इसने इधर आगे में बताया कि इसकी ब्रांच अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ब्रांच अकाउंटिंग की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि हम एक सेपरेटली अकाउंट बना सकें, हम देख सकें कि हर ब्रांच की परफॉर्मेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सर्विस ने एक साल में 10 करोड़ का मुनाफा कमाया है, तो शायद उसकी जो जोहटान वाली ब्रांच है वो 1 करोड़ कमा रही हो, शाहदरा वाली 10 लाख कमा रही हो, और कोई ब्रांच लॉस में जा रही हो। तो इसलिए हम हर ब्रांच का सेपरेटली जो परफॉर्मेंस वगैरह वो देखनी हो, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, एसेट्स कितने हैं वहाँ के, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैश सेल कैसी है, क्रेडिट सेल कैसी है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें फिर ब्रांच अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं। या ऐसे ही है जैसे डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते थे, उसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को असेस करना चाहते थे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो ब्रांच अकाउंटिंग में हम ब्रांच की परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। ये लार्जेस्ट स्केल पर डिपार्टमेंटल अकाउंट एक ही जगह पर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं एक स्टोर के अंदर, और ये लार्जेस्ट स्केल पे है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं आगे, ए होम ब्रांच है और फॉरेन ब्रांच है। होम वही है जो विद इन दी कंट्री होगी, और फॉरेन वही होगी जो किसी दूसरी कंट्री में किसी कंपनी की ब्रांच होगी। उसके बाद होम ब्रांच में आगे डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ब्रांच है। अब डिपेंडेंट ब्रांच वो है जिसके अकाउंट वगैरह वो सब कुछ जो है हेड ऑफिस मेंटेन करता है, और जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है वो अपने अकाउंट्स वगैरह खुद ही मेंटेन करती है। डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो मतलब ज़्यादा लार्जर स्केल पर नहीं होती, और इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह ही होती हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं। जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती, और कैश सेल वगैरह, क्रेडिट सेल वगैरह और एक्सपेंसेस वगैरह वो सारी चीज़ें खुद मैनेज कर सकती है, और अपना अकाउंट वगैरह भी खुद मेंटेन कर सकती है। जबकि जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसकी जो चीज़ें हैं वो भी पीछे से हेड ऑफिस से आएंगी, और उनकी प्राइस भी पहले से डिटरमिन होगी, और जो ब्रांच मैनेजर होगा उसका काम सिर्फ उन चीज़ों को बेचना है, और उसके बाद बेच के जो पैसा है वो हेड ऑफिस को भेजना है। तो इस तरह जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो लिमिटाइज होता है उसके जो वर्कर होते हैं उनका रोल भी, और उसके बाद इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ी आज़ादी होती है उसको। डिपेंडेंट ब्रांच में जो मैनेजर होता है या जो भी ब्रांच का इंचार्ज होगा वो ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं कर सकता, छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कोई कोई आएगा तो उसे चाय वगैरह पिलानी है, उसके बाद कोई पोस्टेज वगैरह के एक्सपेंसेस हैं या टेलीफोन का बिल वगैरह है, ये छोटे मोटे जो भी खर्चे होंगे ना वो कर सकता है। उसके अलावा बाकी जो है सारी चीज़ें वो पहले से डिसाइडेड होती हैं, हेड ऑफिस से अप्रूव होकर आती हैं। इंडिपेंडेंट में थोड़ी आज़ादी होती है इस तरह। और उसके बाद डिपेंडेंट में आगे दो टाइप्स हैं, उसमें सर्विस ब्रांच है और रिटेल सेलिंग है। सर्विस ब्रांच में ये है जो सर्विस प्रोवाइडिंग होती हैं, और रिटेल सेलिंग में प्रोडक्ट सेल की जाती हैं। अब उसके बाद यहाँ लग गया, हाँ वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। यही इसकी बेसिक दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट में आगे सर्विस है और रिटेल बैंकिंग है। अब इनमें आगे जो रिटेल सेलिंग ब्रांच है, इसमें इसके जो ये फीचर हैं उसमें यही है कि इसमें जो इसका अकाउंट होता है ना उसमें चार ही चीज़ें होती हैं, एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आगे उसने बताया है कि इसमें क्रेडिट पे सेल नहीं होती, और अगर ज़्यादा केसेस में तो नहीं होती, हो भी जाए तो फिर एक अकाउंट रिसीवेबल के नाम से एक एसेट आएगा इसके अकाउंट्स में। और उसके अलावा इसके पास जो चीज़ें आती हैं हेड ऑफिस से
वो पहले से डिसाइडेड प्राइस होती है उनकी, और सिर्फ जो ब्रांच मैनेजर होता है उसका काम यही होता है कि चीज़ उतने की सेल हो। फॉर एग्जांपल के जो सर्विस है उसको एक शूज़ आया है और शूज़ की प्राइस है 1,000, अब उसकी कॉस्ट कितनी है 800 है और उसमें 200 प्रॉफिट है, ये ब्रांच मैनेजर को काम नहीं है। ब्रांच मैनेजर का काम सिर्फ ये है कि वो 1,000 की सेल करे और 1,000 के जो पैसे आए वो हेड ऑफिस को भेज दे। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि ब्रांच मैनेजर के पास चीज़ आती है और उसे कहा जाता है कि 800 की चीज़ है और इस पर 10% प्रॉफिट रख के बेचनी है, तो मतलब 880 की बेचनी है। और बाज़ दफ़ा ये ऐसे कहा जाता है कि 880 की चीज़ भेजी जाती है और उसे कहा जाता है इतने की बेचनी है, इसमें कॉस्ट भी शामिल है और 10% प्रॉफिट भी शामिल है। इस तरह से उसके पास माल आता है और उसका काम सिर्फ यही होता है कि उस प्राइस पे बेचे, और कुछ भी नहीं। उसने ना डिटरमाइन करना है कि प्रॉफिट कितना कमाया जाए नहीं कमाया जाए, ये सारी चीज़ें पीछे से ब्रांच से होके आती हैं। ये इसमें भी आगे उन्होंने ये एरो के साथ बताया हुआ, जो सर्विस ब्रांच होती है उसमें यही होता है, सर्विस ही प्रोवाइड करनी होती है, तो ये हेड ऑफिस के बिहाफ पे सिर्फ ऑर्डर लेता है। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आया है उसने किसी सर्विसेज के लिए गया है, तो आप एक कंपनी है, जो कंपनी है उसके बिहाफ पे आप ऑर्डर लेंगे और उसी के बिहाफ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे, सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच का ये काम होगा। और रिटेल सेलिंग में ये होगा कि जो आपके पास चीज़ें आई हैं वो तो कॉस्ट प्राइस पे आएंगी और आपको बताया जाएगा कि इतने परसेंट प्रॉफिट रखना है, या फिर वो आपको इनवॉइस प्राइस पे आएंगी, मतलब उसके अंदर ही प्रॉफिट शामिल होगा। और उसके बाद होलसेल प्राइस पे भी आती हैं चीज़ें।